नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज, इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क से। और आज हमारे बीच जिस सोसाइटी की चुनाव होने जा रही है, वो सोसाइटी जमशेदपुर को बनने में बहुत मददगार साबित हुआ है। वो उन गरीब बच्चों की एक सोसाइटी है, स्कूल चलाती है वो सोसाइटी, जिसमें हज़ारों हज़ार बच्चे आज निकल के देश को, इस झारखंड राज्य को और पूरी दुनिया को सर्व कर रहे हैं। उस सोसाइटी की चुनाव अपने आप में एक बहुत अनूठी है। और उस सोसाइटी के चुनाव में हमारे बीच ऐसे दो महानुभाव जो अपने कैंडिडेचर को लेकर दावा कर रहे हैं, और इनकी पूरी टीम, बज्जी जी और गणेशन जी, गणेश जी, तो इन लोगों से हम बात करेंगे कि क्या आप किस मुद्दे को लेकर दावा कर रहे हैं कि आप चुनाव जीतेंगे, और सोसाइटी का नाम और अपना नाम और चुनाव जीतने का दावा। एडीएल सोसाइटी वर्तमान महासचिव मज्जी रवि कुमार मेरा नाम हुआ, और मेरा पास दावा यह है कि जो 5 साल में, जो बीच में कोरोना काल होते हुए भी जो उपलब्धि मैंने स्कूल के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए जो किया, उस सारे जमशेदपुर के तेलुगुवासी जानते हैं, सारे मेंबर जानते हैं। और जो साक्षी से आपका जो कदमा बिल्डिंग शिफ्ट हुआ, वो छोटी मोटी बात नहीं है। एक तो घर बदली करने से आदमी को जो है कितना तकलीफ होता है, और यहाँ पर ही 50 से 60 कमरों का जो है आपका जो बिल्डिंग है, सोसाइटी का बिल्डिंग अलग है, हिंदी मीडियम का बिल्डिंग अलग है, इंग्लिश मीडियम का बिल्डिंग अलग है, सब चीज़ का आज का अति आधुनिक स्तर पे आज बिल्डिंग बना है, वो मेरा कार्यकाल में बना। इसको कोई दावा नहीं कर सकता कि कोई दूसरा जो है कार्यकाल में बना। एक नया फाउंडेशन एडीएल सोसाइटी का दूसरा जगह में किया है, तो मज्जी रवि एंड टीम जो है, जो जीत का ही उसका कार्यकाल में बना, ये मैं खुल के बोल सकता हूँ, चैलेंज कर सकता हूँ। तो उस आधार पे आप लोगों से वोट मांग रहे हैं? मांग रहे हैं। अच्छा। और उसका डेवलपमेंट, उसका रिजल्ट, और वहाँ के पेरेंट्स को जो मदद, आज भी जो है मेरा एडीएल स्कूल का जो फीस है बहुत नॉमिनल है, हर स्कूल से, जो मेरे जो स्तर का स्कूल है वो स्तर का स्कूल से तो फीस बहुत होना चाहिए, लेकिन मेरा आज भी नॉमिनल है कि क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली और लो क्लास फैमिली को देखते हुए हम लोगों ने उसको सब हम लोग मेंटेन कर रहे हैं और काम किए हैं। जी, आप बताएं गणेशन सर, क्योंकि आप जमशेदपुर में एक जाने माने चेहरा है, सोशल वर्क बहुत आपने किया है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे और क्या कैसे एडीएल सोसाइटी के चुनाव में आपका अपना सर रीजन? एडीएल सोसाइटी के चुनाव एक ऐतिहासिक होने जा रहा है इस बार। कई लोग कई साल से इस पर जुड़े हुए थे, लेकिन किसी कारणवश जितनी उपलब्धियां होनी चाहिए थी, कई एक कारण से अभी जो हाल के दिनों में जो उपलब्धि हुई है, बिल्डिंग वगैरह ये सब बहुत अच्छी बनी है, लेकिन जब तक साक्षी में थे तो कई लोग ऐसे कई सालों से जो उसमें जुड़े हुए थे, वैसा मैंने अब उन्नति नहीं हुआ, जो डिज़ायर्ड जो रिजल्ट आना चाहिए था नहीं आया। अब हम लोग सब मिल के अब एक अच्छा टीम मज्जी रवि के नेतृत्व में हम लोग लड़ने जा रहे हैं, और भगवान ने चाहा और लोगों ने चाहा तो हम लोग को अगला कुछ सेवा करने का मौका दिया जाएगा, इसको और हम लोग 4 चांद लगाएंगे। तो आप अपने भाषा में अपने लोगों के लिए आप कैसे वोट मांगेंगे, उनसे क्या कहेंगे अपने भाषा में, आप इसी बात को बताएंगे? देखिए, सवाल अपने भाषा तेलुगु में, तेलुगु हम नहीं बोल पाएंगे। तब मज्जी रवि जी के लिए वो बताएं, ये मैसेज दें कि भाई ये मज्जी रवि जी जो हैं आपके आपके राइट हैंड होने वाले, आप अध्यक्ष हो रहे, एकदम एकदम, तो इनके ऊपर भरोसा आपका कितना परसेंट है, और वो एक पॉइंट बताइए कि जिस वजह से मज्जी रवि जी को ही जनरल सेक्रेटरी होना चाहिए। हिंदी में और लोग अच्छा समझ जाएंगे सर। बोलिए। लोगों में अच्छाई बुराई सभी होते हैं, लेकिन मज्जी रवि में जो हम लीडरशिप देखे, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने 5 साल इनके साथ अदालत में लड़ाई की, लेकिन एक ऐसा टीम को लेके 5 साल तक इतना कामयाब हुए, ये हमको अब आज आने के बाद समझ में आ रही है, क्योंकि बिल्कुल मैंने छितरे हुए लोग थे, और टीम में कुछ लोग चले गए आ गए, जैसे आपने कहा कि प्रेसिडेंट को निकाल दिया गया, इनके 3 बहुत नामी मेम्बरान का देहांत हो जाना, इतना होते हुए लिमिट माने जिसका मैं लीडरशिप के बारे में मैं इनको एक नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप कुछ कहना चाहेंगे रवि जी के लिए? धन्यवाद सर। सर, मिस्टर मज्जी रवि जी के साथ मैंने अभी 5 साल जो है काम किया हूं, और मज्जी रवि जी का जो एक्सपीरियंस है, करीब करीब 25 साल से एडीएल सोसाइटी में जुड़े हुए हैं, इनसे हम लोग बहुत कुछ नॉलेज भी लिए और सीखे भी हैं, और इनका काबिले तारीफ़ है जो आपका एडीएल सोसाइटी को जो शिफ्ट करना,
अभी हम लोगों का जो 100 ईयर्स का पूरा तैयारी चल रही है, पीएम हॉल बहुत जल्दी हम लोग बना रहे हैं। इस बीच राम मंदिर से श्रीवारी सेवा का जो ब्रह्म उत्सव हुआ, एडीएल सोसाइटी में कम से कम 400 से 500 व्यक्ति उस दिन उस पूजा में भगवान बालाजी का दर्शन करने आए थे। ये एडीएल सोसाइटी का हिस्ट्री है और इस 100 ईयर्स का एडीएल सोसाइटी को मैं चाहता हूँ मज रवि जी के देख रेख में हम लोग 100 ईयर सेंचुरियन बनाएंगे। मैं सभी अपने वोटर्स को संबोधित करता हूँ, प्लीज काइंडली श्री गणेश राव जी और मज्जी रवि टीम को जो है अपना बहुमूल्य वोट दें। जी, आप अपने भाषा में 100 ईयर को कैसे मनाएंगे और वोट लोग दें उसको अपील करें आप जनता से। वंद सेंचुरल एडीएल सोसाइटी आंध्र ड्रामेटिक एंड लिटरी सोसाइटी आंध्र नाटक साहित्य संघम तिरुलोनी आंध्र नाटक अंटे मनं आंध्र नुंचि वच्चां अप्पुडु नाटकालु ओक टीम उंडेदि नाटकालु चेसेवालं आ तर्वात సాహిత్యం ఇంకా చదువుల కోసం మనం ప్రయత్నించాం. ఇప్పుడు నాటకాల వాళ్ళు వేసేవాళ్ళు ఎక్కువ లేరు, అందుకనేసి మనం చదువులు విద్యలో ప్రవేశించాం ఎడ్యుకేషన్లోని. ఇప్పుడు నేను చెప్తుంది ఏంటంటే 31 జూలై 2022 ఎన్నికలు అవబోతున్నాయి ఏడిఎల్ సొసైటీకి. ఏడిఎల్ సొసైటీ సభ్యులందరికీ నా తరపు నుంచి, గణేశ్వరరావు గారి తరపు నుంచి, మా టీం అందరి తరపు నుంచి మేము కోరుతున్నాం ఏంటంటే మా టీంకి ఎక్కువ ఓటేసి మా టీమ్ గెలిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. నమస్కారం. జహా తక్ ఆప్ సబ్ దేఖ్ రహే హై గణేశ్ రావ్ జైసే సర్ అనుభవీ ఔర్ ఏక్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీ మజ్జీ రవి జీ కే అందర్ చునావ్ బహుత్ ఇంట్రెస్టింగ్ హోనే జా రహీ హై ఔర్ ఏ దేఖనా హై కి క్యా ఓ లోగ్ అప్నే సొసైటీ కే లోగ్ ఉన్ లోగో కో చునతే హై కి జో కరోనా కోవిడ్ కాల్ మే ఉన్కే సాథ్ కంధే సే కంధా మిలాకర్ చలే.